चलिए अब शुरू करते हैं। 12वां अध्याय, काल। कल मेरे मित्र नमन का जन्मदिन था, आज मेरा जन्मदिन है। कल हम मेरे चचेरे भाई रजत का जन्मदिन मनाएंगे। था, है, मनाएंगे, ये तीनों ही शब्द हमारे कार्य के कब समय पर किस समय पर हो रहा है इसका बोध करा रहे हैं। इसे ही हम काल कहते हैं। काल को परिभाषित करते हैं, क्रिया की जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं काल के भेद। काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल। पहला है भूतकाल। जब हमारा कोई कार्य बीते हुए समय में होता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खेल चुका, ट्रेन चली गई। वर्तमान काल, जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। अब आते हैं तीसरे पर, भविष्यत काल, जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि तुम कल बाजार जाओगे, हम सब शादी में जाएंगे। चलिए अब करते हैं अभ्यास माला। पहला है, इसमें आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। क्रिया के जिस रूप से उसके अलग-अलग समय में होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन। बारिश ना होने के कारण पेड़ सूख गए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? भूतकाल। रजनी ने खाना खा लिया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? भूतकाल। रमेश कल चिड़ियाघर जाएगा। अब आते हैं दूसरे पर, इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं तीसरे पर, क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्यों को पूर्ण करना है। हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे, शायद वह कल आएगा। अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है, आकाश में सूरज चमकता है, प्रमोद कानपुर में रहता है। अब आते हैं चौथे पर, इसमें क्रिया को कालों के अनुसार लिखना है। जैसे पीना का, पी रहा है, भूतकाल में पी रहा था, भविष्यत काल में पिएगा। इस तरीके से आपको अदर भी करने हैं। अब आते हैं पांचवे पर, इसमें वाक्यों में प्रयोग क्रियाओं के काल उनके सामने लिखने हैं। पहला है हमारा वर्तमान काल में, दूसरा है हमारा भूतकाल में, तीसरा है हमारा वर्तमान काल में, चौथा है हमारा वर्तमान काल में, पांचवा है हमारा भविष्यत काल में। अब आते हैं छठे पर, इसमें निर्देशानुसार काल परिवर्तित करना है। जैसे कि दर्जी कपड़े सिलता है,
इसे हम भूतकाल में किस तरीके से लिखेंगे? दर्जी ने कपड़े सिले थे, पक्षी दाना चुग रहे हैं। भविष्यत काल में कैसे लिखेंगे? पक्षी दाना चुगेंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। वर्तमान काल में बच्चे खेल खेल रहे हैं। माता जी हरिद्वार जा रही थी। भविष्यत काल में माता जी हरिद्वार जाएंगी। पायल बहुत सुंदर होगी। भूतकाल में कैसे लिखेंगे? पायल बहुत सुंदर थी। इस तरह से आप वाक्यों को काल के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं।